नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता, और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में बीते 5 सत्र के दौरान संसदीय समिति को भेजे गए सदन में पेश 10 में से 8 बिल विपक्षी दलों के पत्र पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, सदन से जल्दबाजी में विधेयकों को पारित किए जाने का आरोप सही नहीं। बीजेपी सांसद रमा देवी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने लोकसभा में मांगी माफी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, भविष्य में नहीं हो ऐसी गलती। सदस्यों को चर्चा के दौरान शब्दों के चयन में सावधानी बरतने और आसन की प्रतिष्ठा बरकरार रखने की भी दी सलाह। फर्जी जमा योजनाओं पर पाबंदी से जुड़े विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा जारी। लोकसभा में चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का प्रावधान करने वाले विधेयक पर चर्चा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बांध सुरक्षा विधेयक 2019 लोकसभा में किया पेश। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हासिल किया बहुमत। विधानसभा में विश्वासमत ध्वनि मत से पारित। विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने दिया इस्तीफा। विश्व बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 की जारी। कहा, भारत करीब 3000 बाघों के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सुरक्षित ठिकानों में से एक। उपराष्ट्रपति ने भी बाघों की संख्या में बढ़ोतरी पर जताई खुशी। संरक्षण में सहयोग की अपील। राज्यसभा में विधेयकों को जल्दबाजी में पारित किए जाने को लेकर विपक्षी दलों के पत्र पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि रिकॉर्ड बताते हैं कि विपक्षी दलों के आरोप सही नहीं हैं। विपक्षी दलों के पत्र पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, उनके कार्यकाल के दौरान राज्यसभा में बीते 5 सत्र के दौरान सदन में पेश 10 में से 8 विधेयकों को संसदीय समिति के पास भेजा गया है। 17 विपक्षी दलों के सांसदों ने राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू को खत लिखकर जल्दबाजी में विधेयकों को पारित किए जाने पर चिंता जताई थी। विपक्षी दलों ने सरकार पर विधेयक पारित कराने में स्थायी समिति या प्रवर समिति में विचार के लिए नहीं भेजे जाने पर गहरी आपत्ति जताई थी। विपक्षी दलों ने सभापति वेंकैया नायडू से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की थी। As the chairman of Rajya Sabha, I can only speak for the last 2 years. I have presided over the Rajya Sabha as far as referring the bills to parliamentary committees for detailed scrutiny is concerned, because they referred 13th, 14th, 15th, 16th Lok Sabha. That includes Rajya Sabha also automatically. I am there only for last 2 years. During the last 5 sessions, I don't know whether they have addressed similar letters to the then chairman also. I have no information. During the last 5 sessions that I have presided, that is 244th to 248 sessions, 10 bills have been first introduced by the government in Rajya Sabha. I am happy to inform you that as chairman of this august house, I have referred 8 of these 10 bills to the respective department related standing committees, though it is not mandatory to do so. It is advisable at times, that is the wish of the members also. The other 2 bills were not so referred, related to inclusion of some more groups in category of scheduled tribes, as they do not warrant a detailed scrutiny by standing committee. And I am just reminding the members that those 2 bills, without discussion, unanimously, were approved by the House with the consent of all of you. So there is no justification in sending them. The Motor Vehicle Amendment Bill, as received from the Lok Sabha after detailed scrutiny by the concerned standing committee and passage by other House, was again referred to Select Committee of Rajya Sabha. I hope that all would agree such a record would justify the allegation, if it is so intended, that Rajya Sabha is a party to hurried legislation. That committee, standing committee approval, then select committee approval, still the motor vehicle amendment bill is yet to be passed and it's before us. During the current 249th session of Rajya Sabha, 4 bills have been so far introduced first in Rajya Sabha. Of these, 3 bills have been taken up for consideration passed. These 3 bills could not be referred to standing committee because they are still to be constituted.
the standing committees are yet to be constituted. The opposition insisted on only one, that is RTI bill, to be referred to the Senate Committee of the House. They have got every right to, any member or members have got every right to demand and suggest or move amendment for reference of any bill to a select committee. वहीं विपक्ष की ओर से विधेयकों को संसदीय समितियों से मंजूरी के बिना पारित कराए जाने के आरोपों का बीजेपी ने भी जवाब दिया है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एनडीए सरकार ने 2014-19 के दौरान राज्यसभा की समितियों को 17 विधेयकों का ड्राफ्ट सौंपा था। इनसे मंजूरी मिलने के बाद ही विधेयकों पर आगे बढ़ने का फैसला लिया गया, जबकि यूपीए सरकार ने 2009-2014 के दौरान महज 5 विधेयकों को ही संसदीय समितियों को मंजूरी के लिए भेजा था। भूपेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष इसलिए सवाल उठा रहा है क्योंकि वो कानूनों के बनने की प्रक्रिया में देरी कराने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस बात से दिक्कत है कि संसद काफी प्रोडक्टिव रही है और अधिकतर समय विधेयकों को पारित कराने में लगाया है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने बीजेपी सांसद रमा देवी से बिना शर्त माफी मांग ली। उन्होंने कुछ दिन पहले रमा देवी को लेकर सदन के अंदर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके कारण कई दिनों से विवाद चल रहा था। इसके बाद कई दलों की महिला सांसद एकजुट हो गईं और सभी उनसे माफी पर अड़ी हुई थी। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने सदन में माफी मांगते हुए कहा कि मेरी ऐसी कोई भावना चेयर के प्रति ना थी और ना ही हो सकती है। मेरे भाषण और आचरण को सारा सदन जानता है, इसके बावजूद भी चेयर को ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। उन्हें सदन में 2 बार माफी मांगनी पड़ी। अध्यक्ष जी, जो बात आपके समक्ष मेरे संबंध में आई है, मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी न हो सकती है। मैं 2 बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ, 4 बार मंत्री रहा हूँ, 9 बार विधायक रहा हूँ, राज्यसभा सदस्य रहा हूँ। मेरे भाषण मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है, इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। माननीय सदस्यगण, ये सदन सबका है और सबकी सहमति से सदन चलता है। ये आसन भी आपका है और इस आसन की प्रतिष्ठा बनाना भी आप सबका दायित्व है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी सदन के सदस्यों और माननीय मंत्रीगणों से भी आग्रह है कि हम जब कभी बात करें तो चेयर की तरफ देखकर बात करें, आपस में संवाद न करें इस सदन में। और हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए, आपको कोई बात कहनी है, आपका सदन है, लोकतंत्र है, सबको इसमें कहने का अधिकार है, इसलिए आप चुनकर आए। लेकिन कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमारी संसद की मर्यादा मीडिया में अन्य माध्यम से छवि खराब हो, ऐसा हमें कभी भी कोई कृत्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किस तरीके से हम सदन की इस सभापति पीठ की अध्यक्षीय पीठ की प्रतिष्ठा को बना सकें। मेरा दायित्व बनता है कि मैं सभी माननीय सदस्यों का संरक्षण करूं, उनको अपनी बात को मौका सदस्य बनने का मौका दूं। और मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने जो क्षमा मांगी है, सभी दलों ने जो निर्णय किया उसके हिसाब से, अब ऐसी कभी भविष्य में कोई माननीय सदस्य न करे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। वहीं राज्यसभा में फर्जी जमा और बचत योजनाओं को गैर कानूनी बनाने से जुड़े अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक 2019 पर चर्चा हो रही है और इसका मकसद देश भर में फर्जी जमा योजनाओं पर लगाम लगाना है। इस विधेयक के जरिए अनियमित जमा और बचत योजनाओं वाली चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसी जा सकेगी। साथ ही ऐसी योजनाओं को लाना और उसका प्रचार करना भी दंडनीय अपराध होगा। विधेयक में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की समय सीमा तय की गई है और नियम बनाने के अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। इसे लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक 21 फरवरी को जारी अध्यादेश की जगह लेगा।
The second ghotala, which is still not solved, and I'm glad with this bill these ghotalas will not happen again. The second one was in Gujarat, the Oscar Chit Fund scam. No one writes about the Oscar Chit Fund scam. 1.2 lakh people. So Pearl, then you come to Oscar, then you go to Bengal, Sancheta Ghotala of 1980s. Chit funds were born in this. Oscar also spread from not only Gujarat, it went to Orissa, it went to Maharashtra. So I'm glad with this bill, all this nonsense will be stopped. A proper structured, regulated regime for making sure that this particular segment of deposit mobilization, which was outside the purview of a deposit mobilization which was generally made under the so-called regulated schemes. So there have been several regulators functioning in the financial services sector. There's the Reserve Bank of India, which regulates banking as well as the non-banking system. There is National Housing Bank, which regulates housing sector. There is Insurance Regulator Development Authority, which regulates insurance sector, SEBI, which is the regulator for the capital markets, and many others. ये इस समय बहुत जरूरी था, क्योंकि पूरे देश में देखने मिल रहा है कि अभी से नहीं कई सालों से कई वर्षों से जिले-जिले में जहाँ-जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, कारोबार है, बाजारों में कोई बीसी चला रहा है, पासबुकें रोज जारी की जा रही हैं, प्रतिदिन का जमा करते हैं, मासिक जमा करते हैं, त्रैमासिक जमा करते हैं, वार्षिक जमा योजना चलाते हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट भी जमा करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो चिट फंड कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और सेल टैक्स में वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और कुछ प्रभावशाली व्यक्ति सरकार के बड़े बड़े लोगों से उसका उद्घाटन करा लेते हैं। लोकसभा में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 पर चर्चा जारी है। विधेयक का मकसद चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विधेयक में चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में देश में मेडिकल की शिक्षा को एक समान बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा लोकसभा में आज बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पेश किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लोकसभा में बांध सुरक्षा विधेयक 2019 उन्होंने पेश किया और इस विधेयक का मकसद नियमित निरीक्षण, आपातकालीन कार्य योजना और व्यापक सुरक्षा समीक्षा सहित बांधों की सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करना है। विधेयक कुछ कृत्यों के लिए दंडात्मक प्रावधान भी करता है। ये कानून राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक समान बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद करेगा। ये विधेयक मानव जीवन, पशुओं और संपत्तियों की सुरक्षा में भी मदद करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में 5,344 से ज्यादा बांध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बांध सुरक्षा विधेयक 2019 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव लाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस वक्त संसद परिसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं पंचानन का। पंचानन, फर्जी जमा योजनाओं पर पाबंदी से जुड़े विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है, वहीं लोकसभा की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का प्रावधान करने वाले विधेयक पर चर्चा चल रही है। क्या कुछ खास रहने वाला है दोनों सदनों में, क्या क्या कार्यसूची में शामिल है? जी देखिए, ये जो सेशन है आज पहला दिन है जब पार्लियामेंट का जो है एक्सटेंडेड सेशन है और उस सेशन का मकसद ही यही है कि जो एक लगभग 24 या 25 सरकार की ओर से जो महत्वपूर्ण बिल है उनको पारित कराया जाए। उसी क्रम में अब ये आज से जो कार्यवाही शुरू हुई है दोनों सदनों की, उसमें महत्वपूर्ण बिल लिए गए हैं। हमने जैसा देखा कि राज्यसभा में आज जैसा कि प्रश्नकाल और दोनों सदनों में नहीं होता और राज्यसभा में जब कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद 12 बजते ही पोंजी स्कीम से जुड़ा जो बिल है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट, वो बिल यहाँ पर उस पर चर्चा शुरू हुई। और ये बिल अहम इसलिए है क्योंकि किस तरह से जिस तरह से चिट फंड घोटाले सामने आते हैं, लोगों का जो पैसा है
जो अहम उनका पैसा है वो कहीं ना कहीं जब्त हो जाता है या कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होता है, उसको रोकने के लिए बिल है और उस पर चर्चा एक अच्छी चल रही है। भोजनावकाश के बाद इस पर चर्चा जारी रहेगी। उसके साथ साथ एक और बिल भी लिया जा सकता है आज, जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड है, निर्मला सीतारमण इसको भी पारित करने का जो प्रस्ताव यहाँ पर करेंगी। ये अहम बात राज्यसभा की रही। और लोकसभा में सदन की शुरुआत में ही देखा हमने कि किस तरह से जो कंट्रोवर्सी थी, आजम खान ने उस पर आज माफी मांगी और लगता है ये मामला अब यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक जो चर्चा शुरू हुई वो नेशनल मेडिकल कमीशन जो बिल है उस पर यहाँ पर एक अच्छी चर्चा यहाँ पर चल रही है। हालांकि फिलहाल अभी भोजनावकाश लोकसभा में है, लेकिन ये जो बिल अहम इसलिए क्योंकि ये इंडियन मेडिकल काउंसिल को हटाकर NMC नई संस्था यहाँ पर लाई जाएगी, जो कि भारत में MBBS समेत तमाम मेडिकल की जो शिक्षा है उसको रेगुलेट करेगी और एक सुधार उसमें देखने को मिलेगा। तो ये सरकार की उसमें मंशा है और कुछ और बिल भी यहाँ पर सरकार ने लगा रखे हैं। अब देखना है कि चर्चा किस तरह से अच्छी तरह से आगे बढ़ती है। चलिए पंचानन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयपाल रेड्डी के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। सदन में उनकी याद में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। जयपाल रेड्डी राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी थे। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू भावुक हो गए और उनके साथ अपने संबंधों को याद किया। Honorable members, I refer with a profound sorrow to the passing away of Sri S. Jaipal Reddy, former member of this house, on 28th July 2019 at the age of 77 years. In passing away of Sri S. Jaipal Reddy, the country lost a veteran parliamentarian, an outstanding orator and an able administrator. I had the privilege of working with him for two terms in Andhra Pradesh Assembly. Both of us used to sit in the same bench and then used to effectively argue the people's cause in our own way. I remember the memories of the days I spent with him all these years. For 40 years, four decades, he has been a friend, senior, and also at times used to guide me also, because I am 6 years younger than him. We deeply mourn the passing away of Sri S. Jaipal Reddy. जयपाल रेड्डी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। हैदराबाद के एक अस्पताल में 77 साल की उम्र में उनका शनिवार देर रात निधन हो गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश भर के राजनीतिज्ञों ने शोक जताया है। राज्यसभा में आज सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की ओर से MC मैरीकॉम को प्रेसिडेंट कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। सभापति ने बाकी सभी मुक्केबाजों को भी बधाई दी। On behalf of the whole house, on my own behalf, I congratulate Srimati Marycom, a nominated member of this house, for winning the gold medal in the 51 kg category at 23rd President's Cup in Labuan Bajo, Indonesia, on the 28th of July 2019. I also congratulate the other Indian boxers. 6 बार की विश्व चैंपियन और राज्यसभा सांसद MC मैरीकॉम ने प्रेसिडेंट कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। इंडोनेशिया में मैरीकॉम ने 51 किलो के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एप्रिल फ्रैंक्स को 5-0 से शिकस्त दी। टूर्नामेंट में मैरीकॉम के अलावा सिमरनजीत कौर, जमुना बोरो, मोनिका अंकुश, दहिया, नीरज स्वामी और अनंत प्रहलाद चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किए। कर्नाटक की BS येदियुरप्पा सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। कांग्रेस JDS की गठबंधन सरकार गिरने के बाद सत्ता में आई येदियुरप्पा सरकार ने आज ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया। इससे पहले सदन में बहुमत प्रस्ताव पेश करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि मिलकर काम करें। मैं सदन से अपील करता हूं कि एक मत से मेरे लिए भरोसा दिखाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर बाघों की संख्या पर रिपोर्ट जारी की है। देश भर में बाघों की संख्या को लेकर आंकड़ा जारी किया गया है। नए आंकड़ों के मुताबिक देश में बाघों की संख्या 2967 पहुंच गई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 जारी किया और इसके मुताबिक 2014 के मुकाबले बाघों की संख्या में 741 की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की संख्या पर रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि आज हम बाघों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। सिर्फ घोषित बाघ जनगणना के परिणाम हर भारतीय को खुश करेंगे। 9 साल पहले सेंट पीटर्सबर्ग में ये निर्णय लिया गया था कि बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य 2022 होगा। हमने इस लक्ष्य को 4 साल पहले पूरा कर लिया। ऑन ग्लोबल टाइगर डे वी रीअफर्म आवर कमिटमेंट टवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द टाइगर। द रिजल्ट्स ऑफ द जस्ट डिक्लेयर्ड टाइगर सेंसस वुड मेक एवरी इंडियन एवरी नेचर लवर happy. 9 long years ago, it was decided in St. Petersburg that the target of doubling the tiger population would be 2022. We in India completed this target 4 years early. The speed and dedication with which various stakeholders work to achieve this is remarkable. This is one of the finest example of Sankalp se Siddhi. Aaj hum garv ke saath keh sakte hain ki Bharat kareeb 3000 टाइगर्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैबिटेट्स में से एक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघों के संरक्षण में सहयोग करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया है कि ये शानदार पशु हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना का ही नहीं बल्कि प्रकृति की जैविक विविधता का अभिन्न अंग है। डिस्कवरी के मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होस्ट बेयर ग्रिल्स के साथ दिखाई देंगे। इस खास कार्यक्रम का प्रसारण 12 अगस्त को रात 9 बजे डिस्कवरी पर होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मानव तस्करी के खिलाफ संघर्ष में सरकारी एजेंसियों, सिविल सोसाइटीज और गैर सरकारी संगठनों से आगे आने का आह्वान किया है। हैदराबाद में डॉक्टर सुनीता कृष्णन की एनजीओ प्रज्वला की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में लोगों के लिए शेल्टर होम नियमावली जारी करने के मौके पर उपराष्ट्रपति ने ऐसे अपराध के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर भी जोर दिया। मानव तस्करी के खिलाफ संघर्ष आखिरी व्यक्ति को बचाने तक जारी रखने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जोर दिया है। रविवार को हैदराबाद में डॉक्टर सुनीता कृष्णन द्वारा मानव तस्करी से मुक्त कराए गए लोगों के लिए शेल्टर होम नियमावली जारी करने के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर साल दुनिया भर में हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे तस्करों के हाथों में पहुंच जाते हैं क्योंकि हर देश इससे पीड़ित है। साथ ही उन्होंने इस अपराध के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अनुकूल माहौल बनाने की भी बात कही। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज मच मोर देन जस्ट ए सोशल इविल। ये केवल सामाजिक बुराई नहीं है, इट्स ए वायलेंट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। इट्स ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इट्स अ मेनेंस दैट वायलेट्स ऑल बेसिक टेनेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, डिग्निटी एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज ए मॉडर्न डे स्लेवरी। You need a stringent action against the people who are the perpetrators of this heinous crime. उपराष्ट्रपति ने इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने का भी सुझाव दिया ताकि इसका इस्तेमाल देश के दूसरे हिस्सों में भी किया जा सके। I am confident
that manual will build knowledge and skills that will help in tackling the unique psychological conditions of a trafficked victim and create an understanding on the legally acceptable ways of home management. I hope that the Government of India will take note of this publication, and various state governments also look into this book and translate it into their respective languages, because the people, they know their mother tongue mostly. इससे पहले उपराष्ट्रपति ने मानव तस्करी पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें भारत और विदेशों में तस्करी से संबंधित मुद्दों को दर्शाया गया था कि ये पीड़ितों को कैसे प्रभावित करता है। इस मौके पर डॉक्टर सुनीता कृष्णन ने सुरक्षित पेशेवर शेल्टर होम के महत्व के बारे में बताया। No child, no woman, no human being deserves that kind of slavery. And that damage that they go through when they are being subjected to being sex trafficked is irreversible. And that is where the need for a home becomes very paramount, because a home is where a person can heal, find a space for recovery of herself, her dignity, her identity. उपराष्ट्रपति द्वारा जारी शेल्टर होम मैनुअल को इस क्षेत्र में सराहनीय काम करने वालों की मदद और सामूहिक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया। It's a very practical manual that provides skills for managers how to run a home in a legally accepted way. डॉक्टर सुनीता कृष्णन द्वारा संचालित प्रज्वला फाउंडेशन द्वारा तैयार प्रशिक्षण मैनुअल के लोकार्पण के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अलावा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री देबाश्री चौधरी भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में पेशेवर प्रबंधकों, मानव तस्करी के शिकार, हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के प्रतिनिधि और पुलिस विभाग के अधिकारियों समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी।